हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ और इसे मैंने रायते के साथ सर्व किया है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये देखने में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में ले लिया है, दो बड़े आलू के टुकड़े लिए हैं, कुछ गोभी के टुकड़े, बीन्स, गाजर और थोड़े से उबले हुए सोयाबीन्स और एक कटोरी दही ली है। फिर मैंने यहाँ चावल को अच्छे से धो लिया है, ये बासमती चावल है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए इसे पानी में भिगो कर छोड़ दूँगी। मैंने प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिए हैं और इसे एक एक करके अलग कर लिया है। अब हम इसे तेल में अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने कढ़ाई गर्म हो गई है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और सारे प्याज के जो मैंने स्लाइस किए थे उसे इस तरह से इसमें डाल के और हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम पनीर के जो टुकड़े हमने करके रखे थे हम सेम तेल में उसे भी फ्राई कर लेंगे। हमें पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देख रहे हैं हमारा पनीर ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब हम इसे भी बर्तन में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में जो तेल बचा है उसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसी में हम अपना चावल पका लेंगे। तेल डालने से क्या होगा कि चावल एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, फ्रेश रहेंगे। ये मैंने कुछ सूखे गरम मसाले लिए हैं, 4-5 लौंग, दालचीनी के टुकड़े, 2-3 इलायची। अब हम इसमें अपना जो भिगो के हमने चावल रखा था वो डाल देंगे और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी डाली है। अब इसे चला देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे 70-80% ही चावल को पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब ये हमारी सारी सब्जी तैयार है। अब चलिए हम इसको तैयार करते हैं। ये सारे सूखे मसाले, जीरा पाउडर, गुलकी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, नमक और बिरयानी मसाला भी हमने इसमें ऐड किया है। सारे सब्जियों को हम एक बर्तन में डाल देंगे कि हमें सारे मसालों के साथ इसे मिक्स करना है। हमने मसाला भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। देख रहे हैं दही गाढ़ी है। अब हमने पनीर जो फ्राई करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। सारे सब्जियों को मसालों के साथ दही के साथ अच्छे से कोट कर देना है और सबको कोट करके हम इसे मैरिनेट होने के लिए, जब तक हमारा उधर चावल हो रहा है उतनी देर हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये यहाँ मैं थोड़े काजू को फ्राई कर ले रही हूँ। सूखे मसाले में यहाँ पे जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी के टुकड़े और गुलकी, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। हमने जो मैरिनेट करके सब्जी रखा था उसे इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने तेल का नहीं बल्कि घी का यूज़ किया है। सब्जियों को हम हल्का सा पकाएंगे। सब्जियों को अच्छे से घी में हम लोग मिक्स करके इसे धीमी आंच में करके थोड़ी देर इसे पकाएंगे। ये मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी इसलिए मैं ऊपर से फ्राई करके इसमें मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट शुरू में ही डाल के भून के तब सब्जियों को मिक्स कर सकते हैं। देखिए हमारा सब्जी
80% 90% तक पक चुका है। अब मैंने सारी सब्जियों को इसमें से निकाल लिया है। अब हम लेयर बनाएंगे। उसके लिए मैंने थोड़ी सब्जी पहले नीचे तले में रखी है, उसके बाद मैं इस पे चावल की एक लेयर डाल दूँगी। ये मैंने 7-8 लोगों के लिए बनाया था, इसलिए ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। अब हम इस पे फिर जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो पहले थोड़ा सा छिड़क देंगे। फिर हमने इस पे काजू को भी स्प्रिंकल कर दिया है। हम इसके ऊपर फिर से सब्जी की एक लेयर डाल देंगे। उसके बाद फिर से चावल डालेंगे। इसी प्रोसेस को 2-3 बार करके हम इसे रिपीट करेंगे। देखिए मैं यहाँ सेकेंड लेयर लगा रही हूँ। इस तरह से हम 2-3 लेयर इसकी लगा लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। यहाँ मैंने वीडियो को डबल के स्पीड में रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन रियल में इतनी जल्दी कोई भी काम नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है बिरयानी बनाने में। देख रहे हैं, मैंने 2-3 लेयर इसकी लगा ली है। अब मेरी कढ़ाई पूरी फिल हो गई है। अब मैं यहाँ फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने येलो फूड कलर का यूज़ किया। इसे अच्छे से डाल देंगे। अब मैं यहाँ मेन इंग्रेडिएंट जो बिरयानी का है, जो स्वाद आता है बिरयानी में, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ ऊपर से घी डाली है। ये घी हमने घर में ही तैयार की थी। उसके बाद थोड़ी देर हमने इसे ढक के पकाया है। और उसके बाद देखिए हमारी बिरयानी कितनी मज़ेदार दिख रही है और टेस्टी भी बहुत बनी थी। इसे मैंने खीरे के रायते के साथ परोसा था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।